अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज सुबह के टाइम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। माशाल्लाह मरी की सुबह आप देखें कितनी खूबसूरत है। रात को बारिश हुई थी और इस वक्त सब दरख्त पत्ते फूल सब कुछ धुल के साफ़ सुथरे हो गए। वो देखिए सामने मोटरवे आपको नज़र आ रहा होगा। पहले यहाँ पे ना हमारे घर के सामने बहुत बड़े दरख्त थे, लेकिन शायद उन्होंने किसी ज़रूरत की वजह से काटे हैं या वैसे रोड खुला करने के लिए काटे, तो हमारा व्यू खैर क्लियर हो गया। पहले यहाँ से हमें सामने कुछ भी नज़र नहीं आता था, इस तरह का हमारा व्यू था ऐसे। तो अब माशाल्लाह से हमें दूर तक पहाड़, बादल, मोटरवे सब कुछ नज़र आ रहा होता है और हम बहुत इंजॉय करते हैं। अभी बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम है, तो बस उनकी तैयारी हो रही है, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, लंच की हो रही है। तो चलें अंदर चल के उनका लंच बनाते हैं। फ्रेंच टोस्ट तो सभी को बनाने आते हैं, उसके लिए स्पेशल तो कोई रेसिपी होती नहीं है। हम लोग चीनी की बजाय शक्कर यूज़ करते हैं, चीनी हम लोग अवॉइड करते हैं। वाइट शुगर वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो बस बहुत कम बहालत मजबूरी जब कोई ऐसी स्वीट बनानी हो या घर पे किसी की दावत हो तो फिर हम लोग वाइट शुगर यूज़ करते हैं, वरना हम लोग जो है वो शक्कर ही यूज़ करते हैं। और हमारी शक्कर जो है वो हम लोग मियावाली से आती है, जब हम गाँव जाते हैं तो वापसी पे हम वहाँ से लेके आते हैं। ताज़ा गुड़ बन रहा होता है, वहीं से गुड़ और शक्कर हम लोग लेके आते हैं। आज बच्चों को जो है वो फ्रेंच टोस्ट नाश्ते में भी और लंच में भी, और उसके बाद फिर वो मेन्यू बता के जाएंगी कि आज क्या बनाना है, फिर वो हम बनाएंगे। ये देखें गोल्डन ब्राउन से इतना प्यारा इनका कलर आया है। आज हमने करेले गोश्त बनाना है, जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं, मटन 1/2 kg और प्याज दो अदद चाहिए दरमियाने साइज के, लहसुन 1 पूरी गट्ठी, नमक 1/2 teaspoon, हल्दी 1/4 teaspoon, रेड चिल्ली पाउडर 2 teaspoon और ज़ीरा जो है वो 1 teaspoon। उसके अलावा 2 लेमन का जूस है, सब्ज़ धनिया है और टमाटर है, साथ में 1/2 किलो करेले हैं और 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। करेले मैंने धो के काट के धो लिए थे और उनको हल्का सा बॉईल कर लिया था, मतलब 2 से 3 बॉईल आएंगे, आप निकाल लीजिए। अब सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में पानी डालना है, तकरीबन 1/2 लीटर पानी डालें और उसमें मटन, नमक मिर्च, और प्याज डाल के उसको हम पहले गला लेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया, जब तक गोश्त का पानी खुश्क करते हैं तब तक हम एक कढ़ाई में करेले फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे तकरीबन 1/2 कप और उसमें हम अपने ब्लांच किए हुए करेले डाल देंगे। और इनको इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, अपना कलर चेंज कर जाए, इसलिए साइज में श्रिंक होके थोड़े से छोटे हो जाए। जैसे करेलों का पानी अभी खुश्क हुआ है और ये साथ साथ फ्राई भी होते जा रहे हैं, और इनको इतना फ्राई करना है कि इन पे अच्छा सा कलर आ जाए। जो छोटे साइज के करेले थे उन पे कलर आया है, जैसे इस पे आया है, इस पे आया है थोड़ा, तो इसी तरह से हमें इन पे कलर लेके आना है ताकि ये कड़वे भी ना रहें। कड़वे होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि खाए ना जाए, करेला कड़वा ना हो तो खाने का मज़ा भी नहीं मिलता। ये देखिए करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ठीक है, इनका साइज भी थोड़ा सा छोटा हो गया, श्रिंक हो गया और इनके कलर भी बहुत अच्छा सा आया। अभी क्योंकि इनको हमने
गोश्त के साथ भी इनकी भुनाई करनी है, तो इसलिए अभी हम इनको इतना ही करेंगे और चूल्हा आहिस्ता करके इसको निकाल लेंगे। और इसी में हम अब गोश्त का जो सालन है उसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है तो वो हम इसमें डालेंगे। यानी कि इसमें थोड़ा सा ऑयल हमने और ऐड किया है और इसमें टोमेटो प्यूरी हम ऐड करेंगे। सालन को जिस तरह नॉर्मल गोश्त की भुनाई होती है इसी तरह इसको अच्छे से भून के मसाला अच्छे से रेडी कर लेंगे। देखिए मसाला अच्छे से यकजान हो गया। इसमें अब करेले और प्याज जो हमने काट के रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको आप अच्छे से इसकी भुनाई करें ताकि ये यकजान हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम लगाएं ताकि प्याजों ने जो अपना पानी छोड़ना है वो दम में छोड़ दें। देखें ऑयल निकल आया है। थोड़ा सा फ्लेम तेज करके हम इसको हल्का सा भून लेंगे क्योंकि गोश्त की भुनाई पहले हो चुकी है, करेले फ्राई हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा भी इस टाइम पे इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। नमक मिर्च आप पेस्ट कर ले, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। दो से 3 मिनट तक सिर्फ इसकी भुनाई करनी है ताकि ये जो प्याज हैं ये थोड़े से मिक्सअप हो जाएं इसके अंदर। गोश्त मैंने इस वजह से कम रखा है क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है और गोश्त सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरी एक बेटी खाती है, बाकी मैं भी नहीं खाती। चाहे मटन हो चाहे बीफ हो, हाँ कबाब की फॉर्म में खा लेते हैं लेकिन इस तरह से बोटी की फॉर्म में हम लोग नहीं खाते। बस ये हमारी हांडी इस वक्त तैयार है। इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड करें और मिक्स करके 5 मिनट इसको दम पे छोड़े और फिर उसके बाद चूल्हा बंद कर दें, रायते और सलाद के साथ गरम गरम रोटी सर्व करें। बहुत मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। आप ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।